सारे वृंदावनवासी जब मेरे रेत के अंदर दब रहे होंगे तब कृष्ण को बाहर गांव से आना ही होगा। और जैसे ही कृष्ण बाहर आएगा मैं अपने महाविनाशक अस्त्र का संचालन कृष्ण का आवाहन लेके करूंगा। विनाश लीला आरंभ हो। यही तो मैं चाहता था। देख, मैंने तुझे आज वृंदावन से बाहर आने के लिए विवश कर दिया है। अब तू महाविनाशक से बच नहीं सकता कृष्णा। अब तू अपनी मृत्यु की ओर पग पग आगे बढ़ेगा। बढ़ और बढ़ बढ़। तैयार हो जाओ महाविनाशक, कृष्णा आ चुका है, प्रहार करो, अंत कर दो मेरे काल का। ये कोई साधारण कवच नहीं है, अग्नि कवच है। ये मेघ को नष्ट कर रहे हैं, इसे तोड़ना होगा। तेरे वश की बात नहीं है। नहीं, ये मेरे भक्तों की भक्ति का प्रश्न है। मैं उनके विश्वास को कभी नहीं टूटने दूंगा। मैं इस कवच को नष्ट कर दूंगा। नष्ट ये कवच नहीं, नष्ट तो तुम होगे कृष्ण। महाविनाशक, तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें यहाँ लाई है। मुझे तुम नहीं मार सकते क्योंकि मुझे वरदान है कि मेरी मृत्यु किसी भी अस्त्र से नहीं होगी, किंतु तुझे अब कोई नहीं बचा पाएगा। नारायण, अब क्या करेंगे मेरे श्री हरि, क्या करेंगे मेरे प्रभु। महाविनाशक को तो ये वरदान मिला हुआ है कि उसे ना ही पृथ्वी लोक या स्वर्ग लोक में मारा जा सकता है, उसे तो उसी के एक विशेष अस्त्र महाविनाशक अस्त्र से मारा जा सकता है, महाविनाशक अस्त्र से। किंतु समस्या की बात तो ये है कि श्री हरि महाविनाशक को उसी के एक विशेष अस्त्र से कैसे मारेंगे। नारायण नारायण, समय आ गया है अपने महाविनाशक अस्त्र का प्रयोग करने का। अब तू नहीं बचेगा कृष्ण।
असंभव, ये कैसे हो गया? इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है मां विनाशक। हम इतने विशाल ज्वालामुखी पर्वत पे क्या कर रहे हैं? उत्तर दीजिए। कृष्ण की मृत्यु का रहस्य इसी पर्वत पे छुपा है। इस पर्वत पे? अगर तुम इस पर्वत को 3 प्रहारों से तोड़ पाए तो समझ लेना कि तुम कृष्ण का वध करने में सक्षम हो। देव, ये कवच, ये अस्त्र शस्त्र किसके हैं? ये कवच और ये अस्त्र ऐसे महान असुर योद्धा के हैं जिसका मात्र नाम सुनकर ही देवता कांप उठते थे। और किसी भी देवता ने उस महान योद्धा असुर को कभी परास्त नहीं किया, और आज हम उसे पुनर्जीवित करेंगे। महापराक्रमी, महाबलशाली, महाशक्तिशाली महामहिषासुर का स्वागत है। मेरे लिए और असुर जाति के लिए यदि आप उस कृष्णा का वध कर दें तो मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। आप दोनों निश्चिंत रहें, मैं महिषासुर केवल कंस की नहीं पूरी दानव जाति के उस संकट कृष्ण और उसके प्रियजनों का अंत शीघ्र ही कर दूंगा। अब तक लीला वो कृष्ण दिखा रहा था, अब मैं उसे दिखाऊंगा कि राक्षस कैसे विध्वंस करते हैं। जल्दी करो सहेलियों, हमें कृष्णा की डोली से पहले पहुंचना है। ये तो मात्र एक परिचय है मेरे आतंक का। धीरे धीरे मैं उस कृष्ण को इतना भयभीत कर दूंगा कि वो अपना धैर्य ही खो बैठेगा। एक साधारण बालक की भांति
उस कृष्ण को विवश कर दूंगा मैं बिलक बिलक कर रोने के लिए। कौन हो तुम? हम पर छुपकर वार क्यों कर रहे हो? अगर तुम में साहस है तो सामने आओ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे कृष्ण, तुम्हें भी इन सब वृंदावन वासियों की तरह मार डालूंगा मैं, जीवित नहीं बचोगे तुम। हे माँ जगदम्बिका, अब आप ही इस अनर्थ को टाल सकती हैं। धर्मो रक्षति।